आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल ननद भाभी में। आज मैं आपको बताऊंगी कैसे आप सरल से सरल तरीके से आप घर बैठे बैठे बटाटे बड़े का आनंद ले सकते हैं। आइए देखते हैं। हाफ टी स्पून जीरा, हाफ टी स्पून राई जो कि हमें तड़का लगाने में चाहिए, हरी मिर्च अगर आप खाते हैं तो, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, अजवाइन घोल में डालने के लिए जो कि बेसन का बनेगा, रेड चिली पाउडर थोड़ा सा घोल के लिए और थोड़ा सा आलू में डालने के लिए, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, और यहाँ हमने दो बड़े चम्मच, आप स्पून का साइज देख सकते हैं, दो बड़े चम्मच हमने यहाँ पे बेसन ले रखा है जिसका हम घोल तैयार करेंगे। साथ ही साथ यह आलू उबाल के हमने उसको मैश कर लिया है जिनका हम बटाटा बनाएंगे। चलिए घोल बनाते हैं। घोल बनाना स्टार्ट कर दिया है। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा पतली नहीं होगी क्योंकि इसे ऐसा होना है कि अगर हम इसमें आलू के पेड़ डालें तो वो अच्छे से रैप हो जाए। साथ ही साथ हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी रेड चिली, हम लोग थोड़ा तीखा खाते हैं, अगर आप नहीं खाते तो आप नहीं डालें, थोड़ा सा जीरा पाउडर और इसे डाल के अच्छे से मिला लें। यहाँ पे हमने अपनी गैस ऑन कर दी है जिसमें हम तड़का लगाएंगे और हमने यहाँ पे उसको डीप फ्राई करने के लिए थोड़ा सा ऑयल निकाल लिया है। यह है, अब ये हमने अपनी राई डाल दी। राई जब अच्छे से फ्लैटर होने लगेगी तो हम इसमें डालेंगे ये हमारी ग्रीन चिली जो हमने काट के रखी थी, थोड़ी सी धनिया और हल्दी जो हमने निकाल के रखी थी उसको हम डाल देंगे और इसी तेल में अच्छे से इसको पका लेंगे। ये हमारा जीरा पाउडर, रेड चिली, अब हम इसमें अपना ये मैश आलू डाल देंगे। सॉल्ट हम लास्ट में डालेंगे। हमारा ये आलू फ्राई अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमारा ठंडा हो गया है, अब हम इसका छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारे ये सारे पेड़े बनके तैयार हो गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा तेल गर्म हो गया है। अब हम इसमें इन पेड़ों को रैप करके उसमें डालेंगे। ध्यान से करिएगा ताकि आप जले नहीं। देखते हैं ये हमारे बड़े अच्छे से पक गए हैं। इन बटाटे बड़ों को मैं अच्छे से एक टिश्यू पेपर पे निकाल लूंगी ताकि ये सारा तेल अब्सॉर्ब कर ले। चलिए अब इसकी प्लेटिंग करते हैं और इसे टोमेटो सॉस के साथ हम इसे सर्व करेंगे। आप चाहे तो इस धनिया की चटनी के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। वाह भाभी, मजा आ गया आपके हाथ के बटाटे वड़े खा करके। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी रेसिपी है, आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। लास्ट में मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी, अगर आपके पास बेसन नहीं है तो आप बेसन की जगह पे मैदा यूज कर सकते हैं या कॉर्नफ्लावर भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास ये तीनों नहीं है, यानी कि बेसन, मैदा और कॉर्नफ्लावर नहीं है, तो आप चावल के आटे का भी यूज कर सकते हैं। इन केस अगर आपके पास चावल का आटा भी नहीं है तो परेशान ना होइए, घर में चावल तो होगा। आप उस चावल को 10 से 15 मिनट के लिए भिगो करके रख दीजिए पानी में, फिर मिक्सर में पानी की सहायता से एक अच्छा गाढ़ा पेस्ट बना लीजिए और उसमें अपने बटाटे वड़े को रैप करके फ्राई कर लीजिएगा। देखिएगा ये बटाटे वड़े काफी लंबे समय तक कुरकुरे रहेंगे। तो फ्रेंड, आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा और कमेंट में लिख के हमें बताइएगा कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।